आज पूरा हिंदुस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आप हर जगह हिंदुस्तान के राज्यों में, कई राज्यों में, आप बंगाल देखिए, पंजाब देखिए, उड़ीसा देखिए, झारखंड देखिए, दिल्ली देखिए, ये हर जगह एक तनाव का माहौल है। और वो तनाव का माहौल का जो सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो एक काला कानून लाई है। काला कानून जो है NRC पर लाई है, CA पर लाई है, NPR पर लाई है, तो इससे लोग खौफजदा हैं। और उस समय घी का काम जो है आप मीडिया कर्मी कर रहे हैं, आपके जो भाजपा के नेता है वो लोग कर रहे हैं, जो देशद्रोही है वो लोग कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है, ताहिर हुसैन को जो है आप अरेस्ट करने के लिए आपकी पुलिस खोज रही है दंगा में, जिसका सबसे अहम रोल है कपिल, अभी तक आप उस पर FIR नहीं हुआ है। कहाँ पुलिस है, कहाँ आपका प्रशासन है, कहाँ आपका जो है सेना है? आज 42 लोग की जान दिल्ली में चली गई, निर्दोष लोग की जान चली गई। किस तरह जो नफरत फैलाया गया है इंसानों के बीच में कि लोग जो है जानवर को भी उस तरह नहीं मार रहे हैं जिस तरह एक इंसान इंसान को मार रहा है। आप 2002 का आप गुजरात का दंगा उठा कर देखिए, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और आपके जो गृह मंत्री आपके जो अमित शाह हैं वहाँ वो कैबिनेट मंत्री थे, और वही हाल जो है, वही सीन, वही तस्वीर अभी है, अभी दिल्ली में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन दोनों की जिम्मेवारी है, शर्म आनी चाहिए, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिल्ली दिल वालों की है। वहाँ के मंजर जाके रात में देखो, आज दिन में लोग खौफजदा, वहाँ दिन में घरों से निकलना जो है उनको डर सा महसूस हो रहा है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, उनके उनके ही से सब जो भी हो रहा है सब उन्हीं के कारण हो रहा है, उन्हीं के सहारे पर हो रहा है, उन्हीं के कारण पर हो रहा है। कम तो कम अब तो रहम कीजिए, मस्जिद पर हो रहा है, मदरसे पर हो रहा है, लड़कियों पर हो रहा है, हर इंसान पर इतनी जुल्म मत ढाइए कि कलेजा इंसान का फट जाए। इसको अब भी रोक दीजिए, इसको बचा लीजिए। आपका देश है, आपका मुल्क है। देखिए, प्रशासन कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो सरकार के ऊपर चलता है। लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर नहीं हुआ है कि हाँ आप गोली नहीं चला सकते हैं, आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने दिमाग से इंसानियत के बदौलत किसी, अगर गलत मुसलमान का बच्चा हो पत्थरबाजी करे या हिंदू का बच्चा हो, उसको दौड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ललकार सकते हैं पीछे से, साथ ही उसके दौड़ सकते हैं कि हाँ चलो ढेला जहाँ चल रहा हुआ, चलो हम तुमको पीछे से ललकार रहे हैं। अब न्यूज़ पे हमने ये देखा है, वीडियो में TV पे हमने ये देखा है, दिल्ली पूरा जल गई, लहर गई, बड़ा बड़ा दुकानों में आग लग गई, सारे गाड़ियाँ जल गई, कितने बच्चे हिंदू मुसलमान के मर गए। लेकिन उनको तो लगा ऐसा हम लोगों को कि 3 दिन जो इतना दिल्ली में तबाही हुआ, बर्बादी हुआ, तो हम लोग के देश बिना सरकार के चल रही थी, हम लोग के देश में कोई सरकार ही नहीं है। हमारे देश में इतनी आग जल रही है, इतने लोग तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मोदी सरकार आराम से वो मेहमान नवाजी करने में है। कौन सा सरकार अपने घर को आग लगा के मेहमान नवाजी करता है? उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दिल्ली में इतनी आग लगी हुई है और वो ट्रंप को घुमाने में बिजी हैं। उन्होंने जायजा लिया कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कभी पूछा? एक भी चैनल वाले ने उसके बारे में दिखाया? सब ये दिखा रहे हैं कि ट्रंप कहाँ घूम रहे हैं, उनकी पत्नी का नाश्ता क्या हो रहा है, उनका ड्रेस क्या होगा, वो कहाँ घूमेंगे, वो क्या खाएंगे, यही सवाल। हमारे देश का ये मुद्दा थोड़ी ना था, हमारा देश जल रहा है और हमारे मीडिया वाले भी वही कर रहे हैं कि बजाय देश के हाल को दिखाने का, देश की लाचारी को दिखाने के बजाय वो हमारी मोदी के मेहमान नवाजी को दिखा रहे हैं। मेहमान नवाजी तो तब करते हैं ना जब घर सलामत हो, घर को जला के मेहमान नवाजी कौन करता है? जो भी काम है, जो भी खेल है, सब सरकार की तो खेल है। आखिर बीजेपी RS के साथ मिल के जो कर रहे हैं, ये उन्हीं की मानसिकता है, उन्हीं की सोच के हिसाब से तो हो रहा है, तो वो कार्रवाई किस पे करेंगे? वो तो यही चाहते ही हैं कि लोग जितने यहाँ, एक हमारा हिंदुस्तान ऐसा था जहाँ सेकुलरिज्म थी, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे से आपस में मिल के रहते थे, तो सरकार को नया कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने आपस में हिंदू मुस्लिम को भड़काया और लड़वाने का काम किया। कभी ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं था, मिलजुल के हम लोग आपस में यही रहते थे, हिंदुओं से मुस्लिम की दोस्ती है, मुस्लिम को हिंदुओं से दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग मिलजुल के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हर कुछ करते हैं, लेकिन अब मत बांटिए, अब मत परेशान कीजिए, आप भी खुश रहिए, हमको भी खुश रखिए। CA और NRC के लोग सिर्फ 2 दिन से तो बैठे नहीं हैं,
दो दिन से बैठे होते तो बता देते, 70-72 दिन से हो गए बैठे हुए, और जब से ये दिल्ली में बैठे हुए जामिया के लोग और शाहीन बाग की माया बैठी हुई हैं, जामिया के छात्र बैठे हुए हैं, तब से 72 दिन से दंगा नहीं होता, लेकिन समर्थन में 2 दिन से बैठते हैं और पूरी दिल्ली जल जाती है, तो आप ये बताइए कि 72 दिन वाले लोग दंगाई हैं या 2 दिन जो बैठे हैं, 3 दिन पहले 4-5 दिन पहले जो बैठे हैं उसके बाद से दंगा स्टार्ट हुआ है वो दंगाई हैं। पुलिस तो जो लोग वहाँ जख्मी गिरे हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, जो सही से खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके जिस्म से खून निकल रही है और पुलिस उसको आगे मार रही है, हैं आप जो तिरंगा झंडे का अपमान कर रही है दिल्ली की पुलिस, ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये RSS के गोद में जो सरकार बैठी हुई है, भाजपा के लोग के इशारे पर सब हो रहा है, चुन चुन को चिन्हित कर लोग को मारा जा रहा है। गोली चली जामिया में अनुराग ठाकुर के बयान के बाद, उसके बाद से कपिल मिश्रा के बयान के बाद पूरे दिल्ली आगमन के हवाले कर दिया गया, और आप कहते हैं किसी और को दंगाई। अब कपिल मिश्रा ने क्या कहा था कि ट्रंप आए हैं, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपने नहीं निकाला, अगर नहीं हटाया तो हम रोड पे आएंगे, उसके बाद से आप भी समझिएगा। और DCP के सामने कहते हैं और उनका कुछ नहीं होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बयानात से दिल्ली में दंगा भड़के हैं। दिल्ली दंगे के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली दंगे के लिए अमित शाह जिम्मेदार है और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और कपिल मिश्रा जिम्मेदार है। भाजपा का और RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम के तमाम इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल में दिल्ली में चुनाव हुआ था, दिल्ली के जो लीडरान है RSS के, BJP के और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम लोगों ने किस तरीके से बयानबाजी किया था। किसी ने कहा था गोली मारो सालों को, तो किसी ने कहा था कि ये इलेक्शन जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलेक्शन है, ये लड़ाई देश और देश गद्दारों का इलेक्शन है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद नागपुर के एक सभा में उन्होंने कहा था कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे तो ये देश आग के गोला पर खेलेगा, तो इन बयानात को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली का दोषी कौन है। दोषियों को फांसी, ये क्या नाम है, माला पहनाया जाता है। आपको याद होनी चाहिए मजलूम खान को झारखंड में मारा गया था, तो सेंट्रल मिनिस्टर, उस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर जो है ना, कातिल को माला पहनाया, उसके बाद तबरेज के कातिल को माला पहनाकर उसका इस्तकबाल किया गया। आप अतीत में जाइए, माजी में जाइएगा, तो आपको कई जज ऐसे मिल जाएंगे जो जिनका कत्ल हुआ है, उसके बाद कई ऐसे पुलिस अफसर मिल जाएंगे जिनका कत्ल हुआ है। ये तो हमेशा से ये सरकार करते हुए आ रही है, फासिस्टवाद सरकार हमेशा से करते हुए आ रही। अभी जो कार्रवाई किया है ताहिर हुसैन पे इल्ज़ाम लगाए, और ताहिर हुसैन का बयान भी खुद सामने आया है कि हम पुलिस के पास कॉल किए, बड़े बड़े अफसरों के पास कॉल किए, यहाँ तक के CM के पास कॉल किए, सभी लोगों के पास कॉल किए, उन लोगों ने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया, और मेरे छत पर ये बम बारूद और लाठी डंडा गोली किस तरीके से पहुँचा, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था, मेरे घर में बहुत सारे लड़के बाहर के घुस गए थे। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ताहिर हुसैन का इसमें हाथ है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है, तो हम थोड़ी देर के लिए इल्ज़ाम को मान लेते हैं। तो इस इल्ज़ाम को मानते हुए कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ने उनकी पार्षद जो थी उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि BJP के जितने भी लीडरान हैं, हमारे बिहार से ताल्लुक़ रखते गिरिराज सिंह, वो भी हमेशा फसाद वाली बात करते हैं, साध्वी प्रज्ञा जी हो, गोडसे जिंदाबाद का नारा पार्लियामेंट में लगाती तो उसको निकालता ही नहीं, तो कपिल मिश्रा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करता है तो उसको कहाँ से बर्खास्त करेगा। सबसे पहले अगर भारत सरकार को चाहिए कि अगर कंट्रोल करना है दंगा को, और भारत में आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, तो सबसे पहले अपने चंद नेताओं को बाहर निकाले पार्टी से, उनमें से अमित शाह जी को सबसे पहले निकाले, क्योंकि किसी भी पढ़े लिखे इंसान के क्या भाषा ये नहीं होता, गोली मार देंगे, फाड़ देंगे, काट डालेंगे, ठोक देंगे, ये क्या है भाई? आप अमित शाह हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, आप UP के वजीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप बोलते हैं कि फाड़ देंगे, काट देंगे, ये गुंडा का भाषा है, और आप खुद जानते हैं कि गुंडा किस तरीके का भाषा इस्तेमाल कर सकता है। तो आपके पार्टी में जो गुंडे पहले से मौजूद हैं उन गुंडों को निकालें, कपिल मिश्रा को भी निकालें, और जो पहले से मौजूद है, चाहे साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, कपिल मिश्रा हो, या इसके अलावा कितना नाम लूँ मैं, नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, ऊपर से नीचे तक जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो उसका दमन होगा। हमने
इस सर जज का तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, हमने खून बहते देखा है इस जज के लोगों को, जजों का। ये ऐसी सरकार है कि जो इनके खिलाफ होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जज हो, सबका एक ही वो होगा कि जज होगा तो ट्रांसफर होगा, पुलिस होगा तो ट्रांसफर होगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, छात्र होगा तो लाठीचार्ज होगा। जस्टिस लोहिया का जो खून बहा सड़कों पर, उससे आप साबित हो जाता है कि इसमें कानून व्यवस्था और जो जस्टिस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले एक मिश्रा जी जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बयान दिया था कि हमारे बयानों को रोका जा रहा है, हमारे दबाव डाला जा रहा है, पैसों के बल पे हमारे डिसीजंस को रोका जा रहा है। आप बताइए ये कहाँ तक सही है। सरकार चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान उनके बस में रहे, उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो सही हैं, उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो गलत हैं। बयान चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आपका हो, चाहे जाप का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेडीयू का, आरजेडी का, चाहे एआईएम का हो, जो गलत करता है, जो भड़काऊ बयान देता है, वो इस देश के सेकुलरिज्म को तार तार करता है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने हिम्मत दिखाई, उसने कार्रवाई कर दिया, और लेकिन इन लोगों की पार्टी जो ये भाजपा है, आरएसएस जिसके पीछे काम करता है, वो कुछ भी बयान दे दे उनका पार्टी कुछ नहीं बोलता। अनुराग ठाकुर ने बयान दिया, कुछ नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसे उनके बयानात चलते हैं, कोई भी हो वो लोग बयानात पे चलते हैं, वो यही काम करते हैं साहब, कि वो ऐसे ऐसे बयानात देते हैं कि उनकी जो जनता है वो भड़के। प्रशासन को छोड़ दिया जा रहा है, आपने देखा जेएनयू में क्या हुआ, प्रशासन पीछे खड़ी रही, अंदर लोग गुंडे घुसकर मारते रहे। जामिया में क्या हुआ, प्रशासन पीछे खड़ी रही, गोपाल जो जैसा लड़का उठ सामने खड़े हुए लोगों पे गोलियां चला देता है, तो प्रशासन को ऊपर से हक ही नहीं है, वो इतना दबाव में है कि ये काम करते रह रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा। जैसे वैसे ही 3 दिन तक दिल्ली को छोड़ दिया गया और जलती रही, और अब दिल्ली शांत हुई है, तो कैसे शांत हुई है, प्रशासन ने किया है यही काम। अगर प्रशासन चाहती तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन प्रशासन नहीं करती है, वो किसी के दबाव में, सत्ता के दबाव में, सरकार के दबाव में आके काम नहीं कर पा रही है, उसको दबाया जा रहा है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, जो एसपी अगर आगे कार्रवाई करेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा, और ऐसी जगह ट्रांसफर होगा कि काला पानी की तरह हो जाएगा। तो ये लोग डरते हैं शासन से डरते हैं। गृहमंत्री की पुलिस है, गृहमंत्री इसको रोकते हैं, और जब गृहमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं तो उनकी पुलिस क्या करेगी। अगर वो कह देंगे फ़ोन करके वहाँ के डीएसपी को, कमिश्नर को, कि आपको कार्रवाई नहीं करनी है, तो वो क्या कर देंगे। 3 दिन चला दिल्ली, अब कंट्रोल में है, कैसे कंट्रोल में, पुलिस नहीं किया ना। हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी कंट्रोल किया, लेकिन पिछले 3 दिन में कर सकती थी। अगर वहाँ पे कर्फ्यू पिछले 3 दिन में पहले लगाते तो 40 लोग नहीं मारे जाते, 250 लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते, लेकिन नहीं, इनको छोड़ दिया जाता है, दंगा भड़काया जाता है, और जो मजहब के ठेकेदार बैठे हैं वही भड़काते हैं, और कोई नहीं भड़काता। आपको याद होनी चाहिए 2002 में गुजरात में फसाद हुआ था, गुजरात के गृहमंत्री उस वक्त कौन थे, अमित शाह जी थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये नरेंद्र मोदी थे। अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, और देश के गृहमंत्री कौन है, अमित शाह है। तो ये लोग तो हमेशा से फसाद कराओ और हुकूमत करो के पॉलिसी पर अमल करते हुए आ रहे हैं।